أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My dear students, hope you all are good by the blessings of Almighty Allah. Myself, Ma'am Zareen, your teacher in charge of mathematics. I welcome you in my fifth lecture. And in this lecture, I will give you an overview of the topic, that is properties of division. So here, let us start. Properties of division includes property of zero, property of one, and property of number itself. Let us discuss about these properties one by one. Property of zero. Property of zero states that if zero is divided by a number other than zero, the quotient is zero. यानी अगर हम जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट या क्वोशेंट जो है वो जीरो ही होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय 15 वी गेट जीरो. यहाँ पे हमने जीरो को 15 से डिवाइड किया एंड 15 इज ए नॉन जीरो नंबर, तो हमारा जो क्वोशेंट है वो जीरो ही आया. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय 680,090, व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय 680,090, वी गेट द रिजल्ट एज जीरो. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ वन. प्रॉपर्टी ऑफ वन states that when any number is divided by 1, the quotient is the number itself. Yani jab bhi hum kisi bhi number ko 1 se divide karte hai to jo hamara quotient hai wo wapas wahi number hoga. Kisi bhi number ko 1 se divide karo, wapas wahi number as a result hoga. Yahan pe dekhiye aap example ke zariye, yahan pe humne 12 ko divide kiya 1 se. 12 को डिवाइड किया 1 से, जो नंबर वापस वही नंबर आया जिसको हमने डिवाइड किया था. प्रॉपर्टी ऑफ 1 यही कहती है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, जो क्वोशेंट है वो वही नंबर वापस होता है. दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 343,952. जब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो वापस वही नंबर होता है, वही नंबर वापस आता है. 343,952 वापस आया. सो यहाँ पे 2 मिसिंग है. Here it is 2. तो जब हमने इसको डिवाइड किया 1 से, हमारा नंबर वापस वही आया. यहाँ पे 2 मिसिंग था, सॉरी. मूविंग टुवर्ड्स द अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इटसेल्फ. प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इटसेल्फ स्टेट्स दैट इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट जीरो, द क्वोशेंट इज़ 1. यानी कि जब हम नंबर को अपने ही आप से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट है वो 1 होता है. सी यहाँ पे आप देखिए, जब 12 को मैंने 12 से ही डिवाइड किया, अपने आप से ही डिवाइड किया, जो हमारा क्वोशेंट है वो 1 आया. इसी तरह यहाँ पे हमारी दूसरी एग्जांपल है व्हेन वी डिवाइड 614,992 बाय द सेम नंबर 614,992, we get the quotient as 1. So dear students, that was all for today. Stay home, stay connected. Fi amanillah.